फाइनाइट्स आज हम कर रहे हैं बेटा। नॉन फाइनाइट्स इसके थ्री पार्ट होते हैं, जैसे आपको बताया गया था पहले भी, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स। तो हम इन्फिनिटिव पहले कर चुके हैं, आज किसके टर्न है? जीरंड की। तो आज हम जीरंड करते हैं। जीरंड जो होता है उसमें वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म यूज होती है बेटा। इसको जीरंड का दूसरा नाम होता है वर्बल नाउन, इसको हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। इट मीन्स क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वर्ब जो नाउन का काम करे सेंटेंस में वो जीरंड होता है। देखिए अब कैसे इसके यूजेज करते हैं। जीरंड इज यूज एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। जीरंड जो होता है वो सेंटेंस में या तो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है या एज ए ऑब्जेक्ट। क्योंकि अभी जैसा कि बताया गया आपको कि वर्बल नाउन, नाउन जो होता है सेंटेंस में वो नाउन कहाँ यूज होता है? या तो एज ए सब्जेक्ट होता है या एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है नाउन सेंटेंस में। तो अब यहाँ पर नाउन जो हमारा वो क्या कर रहा है? वर्ब जो है वो नाउन का काम कर रही है इस सेंटेंस में, इसलिए वो नाउन जहाँ पर हम रखते हैं सेंटेंस में वहाँ पर वर्ब रखी जाएगी। ठीक है, और वर्ब कौन सी? जीरंड फॉर्म, इट मीन्स वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म रखी जाएगी। सो क्लियर। अब देखते हैं, अभी हमने बताया जैसे कि यूज एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में देखिए, स्विमिंग काजेस कैंसर। तो स्विमिंग यहाँ वर्ब है, बट काम किसका कर रही है? नाउन का। नाउन आना चाहिए आगे, बट नाउन ना आकर के वर्ब आ रही है, सो ये नाउन का काम कर रही है, इसलिए यहाँ जीरंड हो गया। आई लव स्विमिंग, अब यहाँ देखिए एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये। आई डिसलाइक स्मोकिंग, यहाँ भी एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो जब एज एन ऑब्जेक्ट काम करे या एज ए सब्जेक्ट काम करे तो वो हमारा जीरंड होता है और वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं यूजेज इसका। इट इज़ यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो है हमेशा वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म आती है। सो देखिए सेंटेंस में, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्लेइंग यानी वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म आई है। सेम एज शी वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट। तो फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है, उसके बाद आई एन जी वाली फॉर्म है। क्लियर। तो तुम्हारे टू यूजेज हो गए, एक तो एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, सेकंड यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। इट इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बी। बी जो होती है बेटा उसका मतलब होता है इसकी फॉर्म्स, जैसे इज एम आर है या वाज वर है। ठीक है, तो उनके बाद भी, उनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जीरंड यूज करते हैं। जैसे देखिए, हीज ओनली एम वाज चीटिंग। अब हीज ओनली एम वाज, उसका केवल एक ही एम था, क्या था अब नहीं पता। इसको जो कंप्लीट करे वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या था? चीटिंग। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसको पूरा कर रहा है सेंटेंस को, इस वर्ब को, बी वाली वर्ब का को पूरा कर रहा है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, माई फेवरेट हॉबी इज। अब मेरी फेवरेट हॉबी है लेकिन क्या है नहीं पता। तो अभी इसको जो पूरा करेगा, गार्डनिंग पूरा कर रहा है इसको, सो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम किसको रखते हैं? जीरंड को रखते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेज। हमारे पास कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेज दिए हुए हैं, इनके बाद हम जीरंड यूज करते हैं। अब कौन कौन से हैं देखो, नो बिजी वर, बी यूज टू, ऑब्जेक्ट टू, इट इज़ नो यूज, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो कुछ वर्ड्स हैं एंड कुछ फ्रेजेज हैं, इनके बाद भी हम जीरंड रखते हैं। अब देखिए कैसे, जरा नो पार्किंग हेयर प्लीज। अब हमारे पास क्या आया? नो वर्ड है यहाँ पे, सो यहाँ पे नो है, सो इसलिए हमने क्या किया इसके बाद? जीरंड यूज किया। नेक्स्ट आता है, द बुक इज वर्थ बाइंग। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? देखो वर्थ है, यहाँ भी है, सो इसके बाद है हम क्या करेंगे? जीरंड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल मिल्क। अब हमारे पास इट इज़ नो यूज है सेंटेंस में या इट इज़ नो यूज या है, तो इसके बाद भी हमने जीरंड रखा है। नेक्स्ट, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अब हमारे पास फिर से फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू, सो हमने क्या रखा है इसके बाद? जीरंड रखा है। ठीक है, तो इनको आप लर्न करेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, इट इज़ यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास बेटा कौन कौन से, जैसे माई, हिज, आवर, हर, योर एंड देयर। ठीक है, इनके बाद भी हम क्या रखते हैं? जीरंड यूज करते हैं। जैसे ही डजंट लाइक माई टीचिंग। अब माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, देखिए उसके बाद क्या आया? टीचिंग, यानी जीरंड यूज हुआ है। वी हर्ड ऑफ हिज कमिंग बैक टूडे। हिज है हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव, सो इसके बाद भी जीरंड है। डिड यू हियर ऑफ हिज विनिंग अ प्राइज।
इज आया फिर से, इसके बाद भी जीरंड है, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, इट इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स। अब हमारे पास कुछ वर्ब्स दी हुई, तब तो कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस थे, अब हमारे पास कुछ वर्ब्स हुई है, इन वर्ब्स के बाद भी हम जीरंड रखेंगे। देखिए वर्ब्स हमारे पास अवॉइड, डिले, डेनी, डिसलाइक, एंजॉय, फिनिश, फॉरगेट, कीप, कीप मीन्स जहाँ पे कैरी ऑन, इसका मतलब वो जारी रखना। माइंड, माइंड वैसे तो ठीक है, बट यहाँ माइंड जब हम यूज करेंगे जीरंड इसके साथ, तो माइंड का जो मीनिंग है वो बेटा बुरा लगना है, बुरा मानना होना चाहिए, ठीक है। इमेजिन, पार्डन, पोस्टपोन, रिस, स्टॉप, सजेस्ट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो ये कुछ वर्ब्स हैं हमारे पास, इनको आप लर्न करेंगे। अच्छा देखिए, अब प्लीज़ स्टॉप राइटिंग, इस सेंटेंस में आपने क्या देखा, स्टॉप वर्ब है हमारे पास। अब देखिए स्टॉप अभी हमारे पास आई थी, ये रही, तो स्टॉप है तो इसके बाद जीरंड रखा। डिसलाइक एंड अवॉइड सेम एज है, ये वर्ब भी हमारे पास है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके बाद जीरंड रखेंगे, अवॉइड रहा और डिसलाइक भी हमारे पास, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इट इज़ यूज आफ्टर दीज वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके बाद भी हमें जीरंड ही रखना है। अब ये कौन से हैं, बी वर्ड, बी का मतलब अभी बताया था बेटा आपको, इसकी फॉर्म्स इज एम आर या वॉज वर्ड, ठीक है। सो बी वर्ड कांट बी अ, बी नो यूज कांट स्टैंड, बी नो गुड कांट हेल्प। अब देखिए दिस टेबल इज वर्थ, अब इज इट मीन्स बी, बी वर्थ आया है तो हमने जीरंड रख दिया। इज नो गुड, इज नो गुड आया है, जैसे इज बी बताया था इसकी फॉर्म्स यूज होती हैं, और नो यूज हो गया, सॉरी गुड वाला है ये रहा, बी नो गुड, तो बी की फॉर्म हो गई, उसके बाद नो गुड आया है तो हमने जीरंड रख दिया। कांट बियर, कांट बियर है, इट इज नो यूज, बी नो यूज, ठीक है, बी की फॉर्म हो गई, नो हो गया, यूज हो गया, इसके बाद भी जीरंड है। नेक्स्ट आता है माइंड, तो माइंड के बाद भी अभी आपको बताया था, उसके बाद भी हम क्या रखते हैं जीरंड, माइंड को भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे आप पजेसिव एडजेक्टिव को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनके बाद भी हम क्या रखते हैं, जीरंड रखते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, सम वर्ब्स टेक बोथ टू इन्फिनिटिव एंड जीरंड विद देम। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं बेटा जो अपने साथ टू इन्फिनिटिव भी लेती है एंड जीरंड, इट मीन्स इन दोनों में से टू इन्फिनिटिव और जीरंड में से हम इन वर्ब्स के साथ कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए जरा वर्ब्स कौन सी है, एडवाइज, अलाउ, अटेम्प्ट, बिगिन, कंटिन्यू, हेट, इंटेंड, लर्न, लाइक, लव, रिमेंबर, स्टार्ट, इनको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। सो आप देखिए, आई लव टू हियर दिस सॉन्ग, लव आया है इसलिए हम टू इन्फिनिटिव रख सकते हैं। नेक्स्ट में आई लव हियरिंग दिस सॉन्ग, फिर से लव है, इसके साथ हम जीरंड रख सकते हैं। तो इन दोनों में से टू इन्फिनिटिव और जीरंड में से आप लव, जब ये वर्ब यूज होंगे तो इनके साथ कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट, आई रिमेंबर टू सी हिम, रिमेंबर है, टू सी इट मीन्स टू इन्फिनिटिव है, आई रिमेंबर्ड सीइंग, अब रिमेंबर है फिर से और जीरंड है। तो अभी बताया कि ये जो है वर्ब्स, ये टू इन्फिनिटिव भी लेती है अपने साथ और जीरंड भी लेती है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है कि अभी आपका जीरंड का जो टॉपिक है वो अभी आपका कंप्लीट हो गया है रूल्स, अब आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, सो आई होप कि आपने कर ली होगी, नहीं तो आप एक बार अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे और एक्सरसाइज दोबारा से अपना मैच करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसी का पार्ट जो अभी बच गया, नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, थर्ड पार्ट जो अभी लास्ट है हमारा इसका नॉन फाइनाइट्स का। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है, हमने देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है, जैसे जीरन में था सेम एज होता है, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि उसमें तो उसे तो हम वर्बल नाउन कहते हैं, यानी नाउन जो वर्ब का काम करे, बट इसमें वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है, नाउन का नहीं एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है सेंटेंस में, ये ध्यान रखना, वहाँ पे तो नाउन ही था जो वर्ब का इसका जीरंड का काम कर रहा था, सॉरी वर्ब ही थी जो नाउन का काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, नाउन का नहीं कर रही है। ये कैसे क्लियर होगा जरा देखिए, आई फाउंड अ रोलिंग बॉल एंड आई सा अ डांसिंग गर्ल। अब देखिए इसमें हमारा नाउन क्या है बेटा, बॉल, इसमें नाउन क्या है,
गर्ल। अब नाउन से पहले जो है वर्ब आई है लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म, रोलिंग एंड डांसिंग, तो ये यहाँ पर बॉल और गर्ल को डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रही है सेंटेंस में, क्या, रोलिंग एंड डांसिंग। तो वो वर्ब जो सेंटेंस में नाउन से पहले यूज हो और एडजेक्टिव का काम करे, यानी जो नाउन दिया हुआ है उसको डिस्क्राइब करे, उसको मॉडिफाई करे, वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्लियर। अब इसके यूजेज कर लेते हैं। देखिए, इट इज़ यूज्ड आफ्टर ए और एन। अब जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सेंटेंस में कहाँ यूज हो सकता है, वो देखिए, आफ्टर ए और एन, ए और एन जो है उनके बाद मोस्टली एडजेक्टिव यूज होता है आईएनजी वाली फॉर्म में। अब देखिए, आई फाउंड अ रोलिंग बॉल, आपने ए देखा, आ के बाद क्या गया, रोलिंग, इट मीन्स वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन याद रखना नाउन का काम नहीं कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, यहाँ भी हमारे पास नाउन है और एडजेक्टिव क्या है, डांसिंग। तो वो वर्ब जो सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, वो एडजेक्टिव होता है और यहाँ एज एन एडजेक्टिव काम करती है ये वर्ब। पॉइंट नंबर सेकंड, इट इज़ यूज्ड एज अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म, आपने कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़े हुए हैं, सभी में आपने देखा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देख, इज राइटिंग, वॉज स्लीपिंग, विल बी रेनिंग, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया, लेकिन है कॉन्टिन्यूस फॉर्म, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर द वर्ब्स ऑफ सेंसेस, बेटा सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स पढ़ रखे हैं आप सभी ने, उनसे रिलेटेड जो भी हमारी वर्ब्स होती हैं उनमें हम उनके बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, जैसे स्मेल, सी, हियर, लिसन, टेस्ट, लुक, वॉच, नोटिस एंड ऑब्जर्व। अब देखिए, हेयर वी कैन यूज बेयर इन्फिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब ये जो वर्ब आई हैं इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था जीरण में कि कुछ वर्ब्स ऐसी थी हमारे पास जिसमें हम टू इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते थे और जीरण भी यूज कर सकते थे, ठीक है, सेम एज यहाँ बेयर इन्फिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, आई सा हर ईट मैंगोज, आई सा, सी आ गया, सी की फॉर्म हो गई सा, ईट यानी बेयर इन्फिनिटिव, सेम एज आई सा हर ईटिंग मैंगोज, फिर से सा आया है यानी सी की फॉर्म और ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है इसके साथ। अब देखिए, इनके बाद नाउन है, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो नाउन होता है उसी को जो मॉडिफाई करे, उसी को जो डिस्क्राइब करे, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव, तो यहाँ ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज विद इट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस इन्फिनिटिव, ये फॉर्मेशन होती है बेटा, अगर ये फॉर्मेशन बनती है किसी सेंटेंस में तो जैसे इट आ गया, फिर बी की फॉर्म आ गई, उसके बाद इन्फिनिटिव दिया हुआ है उस, और तो बीच में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, जैसे इट वॉज डिप्रेसिंग टू फाइंड हिम सिक। अब देखिए, इट हो गया, बी की फॉर्म आ गई, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और उसके बाद क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटिव, ठीक है, सो ये फॉर्मेशन भी बनती है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फिर से इट है, बी की फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इधर इन्फिनिटिव है, तो जब इस टाइप से हो तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट, इट इज़ यूज आफ्टर हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैव मीन्स हैव या उसकी फॉर्म्स जो होती हैं उनके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, जैसे ही हैड पीपल वेटिंग फॉर हिम ऑल डे। अब ही हैड पीपल, हैड आ गया, हैव की फॉर्म है, उसके बाद क्या है, पीपल यानी ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज आफ्टर कैच फाइंड लीव, ये वर्ब्स हैं हमारे पास, इनके बाद भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं अगर सेंटेंस में आती है तो, जैसे ही लेफ्ट मी क्राइंग इन पेन, लीव की फॉर्म हो गई लेफ्ट, आ गया सेंटेंस में, उसके बाद हमने रखा क्राइंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई कार्ट हिम स्टीलिंग माई बुक्स, अब कार्ट यानी कैच की फॉर्म हो गई, सो इसके बाद भी हमने क्या रखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, तो ये वर्ब्स लर्न करेंगे आप, कैच फाइंड एंड लीव। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ यूज आफ्टर बी प्लस बिजी, यानी बी की फॉर्म हो उसके बाद बिजी दिया हुआ हो अगर सेंटेंस में तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, जैसे आई एम बिजी डूइंग माई होमवर्क, तो एम बिजी, एम बी की फॉर्म हो गई,
उसके बाद क्या है बिजी, तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा, सेम एज वाज बिजी, वॉज भी क्या हो गया बी की फॉर्म हो गई, और बिजी तो उसके बाद भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा, तो ध्यान रखना बी की फॉर्म प्लस बिजी। नेक्स्ट आता है बेटा, इफ द टू एक्शंस टेक प्लेस सेम टाइम, अगर कोई दो कार्य एक ही समय पर, इट मीन्स एक ही साथ हो रहे हो, देन वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दिस सेकेंड एक्शन, तब हम सेकेंड एक्शन जो होता है हमारा उसमें हम क्या करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल रखते हैं। कैसे जरा देखिए, ही वॉच टेलीविजन एंजॉइंग आइसक्रीम, ही वॉच्ड टेलीविजन, वह उसने टेलीविजन देखा, कैसे देखा एंजॉइंग आइसक्रीम, आइसक्रीम को एंजॉय करते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, उसका मजा लेते हुए। अब मेन फर्स्ट काम क्या था टेलीविजन देखना, सेकंड काम क्या हो गया साथ साथ क्या कर रहा था वो एंजॉयिंग आइसक्रीम, तो जो सेकंड वर्क है हमारा एक्शन है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, द टू एक्शंस टेक प्लेस फास्टली एंड दे हैव नो टाइम गैप, जब कोई दो काम बहुत ही जल्दी से हो रहे हो और उनके बीच में कोई टाइम गैप ना हो, ठीक है एक के बाद तुरंत दूसरा, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल रखते हैं। जैसे सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते ही द थीफ रैन अवे, चोर भाग गए। अब ये तो है नहीं कि पुलिस को देखेंगे वो थोड़ी देर रुकेंगे वेट करेंगे फिर भागेंगे, नहीं जैसे ही पुलिस नजर आई वो भाग गए, तो एक के बाद दूसरा काम लेकिन तुरंत हुआ है, इसके बीच में टाइम गैप नहीं है। सेम एज सीइंग द प्रिंसिपल द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम, प्रिंसिपल को देखते ही स्टूडेंट्स जो है वो क्लासरूम में एंटर कर गए, तो तुरंत क्या जैसी नजर पड़ी तुरंत कर दिया एंटर, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया आपका, अब आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। सो देखिए इसके यूजेस देखते हैं, इट इज यूज्ड एज अ परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट टेंस आपने जितने भी कर रखे हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, आपने देखा होगा सभी में कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म यूज होती है, किसी में हैज के, हैज हैव के साथ होती है, किसी में हैड के साथ, और किसी में विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ये फॉर्मेशन होती है, तो इनमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक तो परफेक्ट टेंस के रूप में हो गया, सेकेंड आता है यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में भी जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। कैसे जरा देखिए, आई सॉ अ वाउंडेड बर्ड, अब देखिए यहाँ पे नाउन है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अब आई सॉ अ वाउंडेड बर्ड, वाउंडेड थर्ड फॉर्म आ गई सेंटेंस की, तो ये क्या है इसमें पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। नेक्स्ट, दे डोंट एडमिट फेल्ड स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें फिर से नाउन है, ये यहाँ थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है। नेक्स्ट, यूज जॉइन टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जैसे अ स्पीडिंग कार हिट हिम, अ स्पीडिंग कार हिट हिम, ही डाइड ऑन द स्पॉट, अब इसको हम एक कैसे कर सकते हैं, हिट बाय ए स्पीडिंग कार ही डाइड ऑन द स्पॉट, अब इनको आप पहले हिंदी में देख लीजिए एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, अ स्पीडिंग कार हिट हिम, एक स्पीड से आती हुई कार ने उसको हिट किया, ठीक है, ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह स्पॉट पर उसी जगह मर गया, ठीक है एट द स्पॉट मर गया। अब हिट बाय ए स्पीडिंग कार, एक स्पीडिंग कार के द्वारा मारने पर, टक्कर मारने पर, हिट करने पर ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह स्पॉट एट द स्पॉट मर गया, उसी जगह मर गया। तो इस पूरे इन दो सेंटेंसेस को जो अलग अलग थे इनको हमने एक ही सेंटेंस बना दिया, और किसका यूज करके पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी बेटा हम क्या यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जैसे थी करप्ट ऑफिसर, अब करप्ट ऑफिसर, ठीक है भाई यहां तक लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ ना सेंटेंस, क्या था वाज डिसमिस्ड, उसे डिसमिस कर दिया गया था, किसको करप्ट ऑफिसर को, यहाँ देख सकते हैं आप ये एज ए पैसिव वॉइस यूज हो रहा है सेंटेंस में। ऑल द स्कूल्स, सभी स्कूल क्या वर क्लोज्ड, बंद हो गए थे, बंद कर दिए गए थे, सो ये क्या यूज हो रहा है एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं वॉज डिसमिस्ड एंड वर क्लोज्ड, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, अब सब्जेक्ट था यहाँ पे, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखिए। आई फाउंड द बुक्स, मैंने बुक्स पाई, कैसे पाई, स्टोलन, चोरी की हुई। दे लेफ्ट द वर्क, उन्होंने काम छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, अनफिनिश्ड। तो ये जो है यहाँ किसका कॉम्प्लीमेंट के काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में पास्ट पार्टिसिपल आया है। ठीक है, इसके जो चीज यही थे। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो इस टॉपिक का लास्ट है अभी। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें लगता है हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है देखिए। व्हेन एन एक्शन कंप्लीटेड आफ्टर द अदर एक्शन देन वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल इन द फर्स्ट एक्शन। देखिए, व्हेन एन एक्शन, जब एक काम कंप्लीटेड समाप्त हो चुका हो, आफ्टर द अदर एक्शन दूसरे काम के बाद समाप्त होता है, देन वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल इन द फर्स्ट एक्शन। तो हम जो फर्स्ट एक्शन था उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे जरा देखिए इधर, ही मिल्क्ड द काऊ, ही मिल्क्ड द काऊ, उसने काऊ का दूध निकाला। देन ही वेंट टू मार्केट, फिर वह कहाँ गया, मार्केट चला गया। अब देखिए इसको हम एक सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। हैविंग मिल्क्ड द काऊ, गाय का दूध निकालने के बाद ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट चला गया। तो यहाँ हमने परफेक्ट पार्टिसिपल रख दिया, हैविंग मिल्क्ड रख के हम सेंटेंस को आगे कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज, उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। लुकिंग फॉर होता है बेटा ढूंढना या तलाश करना, फिर उसने जॉब की तलाश शुरू की। अब देखिए, हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडी, अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब, उसने जॉब की तलाश शुरू की। ठीक है, सो ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपका नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है बेटा, जिसमें हमने इन्फिनिटिव किया, हमने जीरंड किया और पार्टिसिपल किया। ठीक है, तो इन सभी रूल्स को आप बहुत अच्छे से राइट करेंगे, बहुत अच्छे से इनको रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब आपको इसकी एक्सरसाइज दी जा रही है, उसके बाद आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा इस टॉपिक में से। सो बहुत अच्छे से आपने करना है, और फिर उसके बाद उसकी आंसर की दी जाएगी, तो उसको मैच कर लेना। ठीक है, लेकिन पहले आप अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करके और फिर टेस्ट देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।